सो मोहन कुमार भंडारी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे म्यूजिक का अब तक का आपका सफर और उपलब्धियां जो आप अपनी जुबानी हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले वेब दुनिया के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मोहन कुमार भंडारी पुणे से हूँ और म्यूजिक का सफर आज से 43 इयर्स बिफोर आई स्टार्टेड 1973 में मैंने मेरा ग्रुप शुरू किया मॉम इंडिया के नाम से, और हमारा ये ग्रुप था वहाँ से लेके आज तक के हमारे इस 43 साल के सफर में काफ़ी अलग अलग हमने प्रयास किए, नए नए प्रोजेक्ट बनाए। जैसे फिल्म स्टार नाइट का प्रोजेक्ट है जिसमें सोनू निगम, सचिन, श्रेय, वर्षा उसगांवकर, इन इन जैसे कलाकारों को हमने देश प्रदेश में प्रस्तुत किया है। और हमारा खुद का म्यूजिक ग्रुप जो है उसके साथ साथ मैंने एक और एक नई कड़ी इसमें जोड़ी है, वो है सॉफ्टवेयर। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पब्लिक को आपने अपने साथ म्यूजिक में इन्वॉल्व किया है जी, तो ये कैसे और इसके आपके लिए क्या मायने हैं, कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया हमारे लिए। देखिए, ऐसा है कि इन दुनिया में जितने भी कलाकार हैं, जिस किसी भी क्षेत्र में अगर पब्लिक नहीं होती, चाहने वाले नहीं होते, तो हम ये मुकाम पे नहीं पहुंचते थे। हमें इतना नाम, गुडविल, पैसा और रिकॉग्निशन नहीं मिल सकता था। तो ये सब पब्लिक की देन है और पब्लिक ने हमको आज तक सिर्फ दिया ही है, हमने उनको कुछ नहीं दिया है। हमने सिर्फ हमारी कला उनके वो सामने प्रस्तुत की है, लेकिन उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इसी सोच को लेकर हमने एक तय कर लिया कि एक दिन ऐसा रखा जाए कि जिस दिन हम पब्लिक के लिए कुछ करें, उनकी जो मन में इच्छा है उनको भी स्टेज पे आना है। हर एक कोई गाना चाहता है, कोई बाथरूम सिंगर है, कोई छोटे स्टेज पे गाता है, तो उनको एक बड़े स्टेज पे लाना, उनको अच्छे से प्रोफेशनल तरह से उनको प्रस्तुत करना, ये हमारी एक ख्वाहिश थी कि ये हमको उनको एक कर्जा हमारा चुकाना है। तो उस हिसाब से हमने एक वर्ल्ड पब्लिक सिंगिंग डे यानी विश्व नागरिक गायन दिन ये हमने शुरू किया है। और हमारा ये प्रयास रहता है कि जिन लोगों को, जिन पब्लिक को कभी स्टेज पे नहीं आए लेकिन गाने की इच्छा है, उनको हम स्टेज पे बुलाते हैं। कोई भी आके गा सकता है अपनी लैंग्वेज में, अपनी पसंद का कोई भी गीत किसी भी स्केल में, और हम उनको हमारे सॉफ्टवेयर से और हमारे म्यूजिशियंस के जरिए उनको सपोर्ट करते हैं। इसके लिए आपने खास दिन को ही क्यों चुना, इसके पीछे कोई खास वजह रही? जी बिल्कुल, 19 नवंबर ये मैंने चुना इसलिए कि मेरा बर्थडे उस दिन होता है और मैं चाहता हूं कि मेरा बर्थडे इस तरह मनाया जाए कि सबको आनंद मिले। जिन्होंने मुझे यहां तक लाके रखा है तो उनका एक शुक्रिया अदा करने का ये हमारा तरीका है। तो कुल मिलाकर आप अपना जन्मदिन जो है वो म्यूजिक और अपने फैंस के साथ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, सोनू निगम का आपसे एक खास रिश्ता है जो कहा जाता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, 1993 में मैंने सोनू निगम को सबसे पहले इंडिया में उसके नाम से मैंने बैनर शुरू किया, फिल्म स्टार और प्लेबैक सिंगर सोनू निगम नाइट। उसके प्रोड्यूसर मैं रह चुका हूं और फर्स्ट टाइम सोनू निगम को अब्रॉड में प्रस्तुत करने वाली भी हमारी संस्था है। सबसे पहले 1993 में बहरीन के महाराष्ट्र मंडल में हमने उनको प्रस्तुत किया, दैट इज हिज फर्स्ट फॉरेन टूर इन हिज लाइफ। वो जब 19 साल का था तो मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया, तब मेरी उम्र थी 38, मेरी बिटिया 19 साल की हो गई और 38 का वो हो गया। सोनू निगम ने इसको इंट्रोड्यूस किया मेरे 57th बर्थडे पे। म्यूजिक आपके लिए क्या है आपकी जुबान में आपके अनुसार? म्यूजिक यही तो जिंदगी है, अगर म्यूजिक नहीं होता तो हम रह नहीं सकते। और मेरा तो ये कहला है हर एक को गाना चाहिए। मैं तो हमेशा ये मेरे प्रोग्राम में कहता हूँ, जितना गाओगे उतना जियोगे, इसलिए गाने में हिचकिचाइए नहीं। और हमारा उसके पीछे एक किसकी किस्मत कब जागेगी, खुलेंगे किसके भाग, किसकी किस्मत कब जागेगी, खुलेंगे किसके भाग, मिलता सबको मौका पर तू समय समय पे जाग, ताल सुरों की इस महफिल में आओ रंग जमाए, हुनर छुपा है जो भी आप में सबको दिखलाए। मुकेश की आवाज के लिए आप जाने जाते हैं? जी, मैं मुकेश और सहगल का फैन हूँ। मेरी सहगल की एक सीडी ऑस्ट्रेलिया के एजिंग मिनिस्ट्री ने फाइनेंस की थी और सलामे सहगल नाम से मेरी सीडी ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हुई है। तो सहगल जी का मैं ज्यादा चाहता हूँ, उनके गीत गाने में मुझे बहुत आनंद आता है। मैं अपने दर्शकों की तरफ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कुछ उनके लिए भी सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, आप ही की फरमाइश के ऊपर सहगल साहब का एक गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ, एक बंगला बने न्यारा, एक
बंगला बने न्यारा, रहे कुंडबा जिसमें सारा, एक बंगला बने न्यारा, हाँ एक बंगला बने न्यारा। सोने का बंगला चंदन का जंगला, सोने का बंगला चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा। मैंने जो कंपोज किए हुए गाने हैं वो आज से 40-50 साल पुरानी जो स्टाइल थी फिल्मों में आए हुए गीतों की, जो आज भी बरकरार है, जिसका मेलोडी आज भी कम नहीं हुई, ऐसे गीत मैंने बना के रखे हैं मेरी बेटियों के लिए, ऐश्वर्या और सुष्मिता के लिए। अभी तक मैंने वो बाहर मार्केट में दिए नहीं है, उसको रिलीज भी किए नहीं, लेकिन मेरा ये दावा है अगर वो गीत फिल्मों में आ जावे तो उस गीत के ऊपर भी फिल्म चल जाएगी। इतने बढ़िया गीत उस टाइम में मैंने बना के लिए, आज से 40 साल पहले मैंने खुद कंपोज किए, खुद लिखे हुए गीत है जो मैंने इनके लिए रखा हूँ। बिल्कुल 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 सुनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो झलक में सुना सकता हूँ। इतना ऊंचा बंगला हो मानो गगन का तारा, जिस पे चढ़ के इंद्रधनुष पे झूला झूले चांद हमारा, भंडार हो ये लक्ष्मी के हाथों में सारा, भंडार हो ये लक्ष्मी के हाथों में सारा, आए अब जी भर के सुख जिसने विपद उठाई, पाए अब जी भर के सुख जिसने विपद उठाई।